हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर प्रोसीड करेंगे अ शर्ट इन द मार्केट, उसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक है द क्लोथ मार्केट ऑफ इरूट, और यहाँ हम शुरुआत करने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े क्लोथ मार्केट की, जो कि तमिलनाडु में है और जो कि इरोड्स बाई वीकली क्लोथ मार्केट के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि सप्ताह में दो दिन लगने वाला ये बाज़ार, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बाज़ार है, और इस बाज़ार में बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के जो क्लोथ्स हैं वो बेचे जाते हैं। आसपास गांव में रहने वाले जो वीवर्स हैं वो इस कपड़े को बुनते हैं और उसके बाद उसको बेचने के लिए ले आते हैं इस मार्केट में। इस मार्केट के चारों तरफ जो मर्चेंट्स यानी क्लोथ मर्चेंट्स जो हैं उनके ऑफिसेज हैं जहाँ पर ये कपड़ा ख़रीदते हैं, और इसके बाद अलग अलग गांव, शहरों और अलग अलग देश के हिस्सों से आने वाले जो व्यापारी हैं उनको ये कपड़ा बेचा जाता है। मार्केट डेज में क्या होता है कि जो वीवर्स हैं वो अपना क्लोथ लेके आते हैं, जो वो तैयार करते हैं, जो कि उनको एक मर्चेंट ने ऑर्डर दिया होता है, और उसके बाद जो मर्चेंट है उस क्लोथ को सप्लाई करते हैं आगे गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को या फिर एक्सपोर्टर्स को। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो ख़रीदते हैं यार्न यानी धागा, और उसके बाद वीवर्स जो हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो किस प्रकार के जो कपड़े हैं वो बुनेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, तो आप क्या देख रहे हो इसमें, जो फर्स्ट पिक्चर है तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, ये एक ट्रेडर की शॉप कम ऑफिस है। यहाँ पर ऑर्डर लिए जाते हैं, और ऑर्डर में मींस कौन सा कपड़ा कितना चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए दूसरे व्यापारी को, तो वो ऑर्डर यहाँ देखे जाते हैं। तो फिर आगे जो ये क्लोथ मर्चेंट्स हैं ये जाते हैं गांव की तरफ यानी गांव में रहने वाले वीवर्स के पास, और वो वीवर्स क्या करते हैं, वीवर्स के पास जैसे कि यहाँ पे पावरलूम आप देख रहे हो सेकेंड पिक्चर में, तो ये पावरलूम के ऊपर कपड़ा जो है वो बुना जाता है। तो कम से कम यानी 2 से लेके 8 तरह की जो मशीनें हैं इसमें लगी होती हैं, और जो ऑर्डर है इन वीवर्स को दिया जाता है, और इस पे कपड़े की बुनाई होती है। जो भी ऑर्डर उनको दिया जाता है, कैसा परफेक्ट डिज़ाइन चाहिए, कितना मटेरियल, कितने मीटर का कपड़ा चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिसाइड होती हैं। थर्ड पिक्चर में आप देखते हो कि एक फैमिली बैठी हुई है, ये वीवर्स फैमिली है। तो वीवर्स का काम इतना आसान नहीं होता, तो इसमें क्या होता है कि मीन्स जो वीवर्स के जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो भी मिल करके यहाँ पे काम करते हैं, और इस काम को करने के लिए उनको कई कई घंटे यानी 12-12 घंटे तक भी काम करना होता है, और उसके बाद ही वो कपड़ा जो है वो तैयार कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पुटिंग आउट सिस्टम की। तो वीवर्स जो हैं वो एक पुटिंग आउट सिस्टम के थ्रू काम करते हैं। तो जैसे टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है कि पुटिंग आउट सिस्टम वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम, तो आखिर ये क्या सिस्टम है, किसके थ्रू, मतलब कौन से सिस्टम के थ्रू वो काम करते हैं। तो जैसा कि हमने ये जाना था कि जो मर्चेंट्स हैं वो वीवर्स को अलग अलग तरह के जैसे जैसे उनको ऑर्डर्स मिलते हैं उसके हिसाब से वो काम को बांट देते हैं, और उसके बाद जो वीवर्स हैं उनको यार्न जो है वो मर्चेंट्स के द्वारा ही सप्लाई हो जाता है, और जो वीवर्स हैं फिर वो आगे इस चीज़ का उनको दो फ़ायदा होता है। एक तो ये कि जो वीवर्स हैं उनको यार्न खरीदने के लिए अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, और दूसरी क्या चीज़ें, मतलब क्या प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाती है कि जैसे कपड़ा तैयार होने के बाद फिर उसको बेचने की टेंशन उनके पास नहीं होती, क्योंकि उनका ऑलरेडी जो ऑर्डर है, जो कॉन्ट्रैक्ट है जिस मर्चेंट के साथ सेट होता है, तो उसके हिसाब से वो कपड़ा बुनते हैं और उसी व्यापारी को ला करके बेच देते हैं, और जो व्यापारी होता है अपने हिसाब से जो कीमत उसकी लगाता है वो इन वीवर्स को दे देता है। नेक्स्ट वन, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट जाता है वो क्या है, तो इस तरीके से उन वीवर्स की डिपेंडेंसी है यानी निर्भरता जो है उस व्यापारी पर दो तरीके से हो जाती है, एक तो रॉ मटेरियल और दूसरा मार्केट में। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है कि जैसे कि जो वीवर्स हैं उनको ये नहीं पता होता कि आखिर जो कपड़ा है तैयार होने के बाद किसको बेचा जाएगा, कितनी कीमत उसकी होगी, क्योंकि उन्हें जो ऑर्डर मिलता है उसके हिसाब से उनको बहुत ही लो पे किया जाता है, उनके जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी कम आके जाते हैं। देन जैसे यहाँ पे एक सिचुएशन भी आप देखोगे कि आखिर जो एक वीवर्स हैं वो अपने काम को करने के लिए परफेक्ट तरीके से करने के लिए किस किस हिसाब से वो खर्चा करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है बताया कि जो वीवर्स हैं दे हैव टू इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स और बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय लूम्स। कपड़ा तैयार करना है, लूम्स की ज़रूरत होगी, हैंडलूम्स भी हो सकते हैं और पावर लूम्स भी हो सकते हैं,
और एक लूम की जो कीमत होती है वो 20,000 के आसपास है, और अगर कम से कम अगर एक बुनकर अपनी दो मशीनें भी लगाता है तो कम से कम उसको 40,000 रुपया चाहिए। और इसके अलावा अकेला वो इस पे काम नहीं कर सकता, तो वो अपने परिवार के बाकी के सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल कर लेता है, 12-12 घंटे काम करता है। उसके बाद जो कपड़ा वो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग बुन पाता है, बना पाता है, तो उसकी जो अर्निंग्स होती हैं वो सिर्फ कितनी होती हैं, दैट इज़ अबाउट मेयरली 3500 पर मंथ, यानी कि सिर्फ 3500 रुपये पर महीने के हिसाब से वो कमाता है। आगे इसमें हम पुटिंग आउट सिस्टम की जो बात कर रहे थे, तो आखिर ये क्या चीज़ है? तो पुटिंग आउट सिस्टम जो है एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि होता है मर्चेंट और वीवर्स के बीच में। तो किस हिसाब से होता है कि जहाँ पर जो मर्चेंट है वो सप्लाई करता है रॉ मटेरियल वीवर्स को और रिसीव करता है फिनिश प्रोडक्ट वीवर से। और ये जो सिस्टम है वो मोस्ट ऑफ ऑल ओवर इंडिया के जो वीविंग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलन में पाया जाता है। तो वहाँ पे इसी सिस्टम में ही काम होता है कि जो व्यापारी हैं वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं आगे वीवर्स को, और बदले में जो तैयार कपड़ा होता है वो उनसे ख़रीद लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, अब हम आगे बात करेंगे द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। तो ये हमारा अगला टॉपिक है, और सेकंड दो फेज़ हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि आखिर जो शर्ट है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कितनी क्या है। फर्स्ट कॉटन प्रोडक्शन से वो शुरू होती है और कपड़ा तैयार होने तक हम आ चुके हैं। अगला फेज़ की मीन्स अब उस कपड़े से आगे शर्ट किस तरीके से तैयार होगी वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय टू एवरीवन, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।